पूतना उद्धार की लीला में गोपियों ने यशोदा मैया ने लाला को गौमूत्र से स्नान कराया, गौमूत्र से गौरज से स्नान करवाया। लाला इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जो महापापनी राक्षसी पूतना है उसको लाला ने परम गति प्रदान कर दी कि अरे तू भले ही राक्षसी हो बनी रहे, पापिन है, मुझे कोई परेशानी नहीं। तेरा एक गुण मुझे बहुत प्रिय लगा और वह यह है कि तेरे प्रयास से मुझे गोरज प्राप्त हो गई। मैं तो महल में था तो सूतिका गृह में ही लाला होंगे, कोई बाहर तो नहीं निकालेगा 5 दिन 4 दिन के बच्चे को, गौशाला में तो नहीं ले जाएंगे, अभी तो छठी पूजा भी नहीं हुई थी। तो लाला ने विचार किया कि मैं तो गौ सेवा करने के लिए वृंदावन में आया हूं और 6 दिन का हो गया, अभी तक गाय मैया का दर्शन नहीं हुआ, गौरज प्राप्त नहीं हुआ। तो लाला जो है ऐसा विचार कर रहे थे और पूतना आकर के उठा के ले गई, और पूतना के शरीर से लाला छू गया है तो लाला को शुद्धिकरण होना चाहिए, तो स्नान कर लिए मैया गौशाला में ले गई और गौमूत्र से स्नान कराया, गाय का पूछ पकड़ के झाड़ा दिया और गौपूच्छ से झाड़ा दिया तो लाला इतने प्रसन्न हो गए कि पूतना को परम गति प्रदान कर दी।